स्टूडेंट स्क्वाड जस्टिस कश्मीरी स्टूडेंट स्क्वाड जस्टिस आगरा में जो पढ़ रहे थे स्टूडेंट स्क्वाड क्या चाहते हैं जस्टिस 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 स्टूडेंट लगाए हैं वो क्या चाहते हैं जस्टिस भगवान जानता क्या मिलेगी आजा जी दर्जी जट करे बेचारे लीडर के पीछे भी चलते ये लोग कब तक चलेंगे ये लोग क्या होगा हमारा सबक कब पूरा होगा लेकिन मैंने क्या देखा लोग डिप्रेशन है बहुत खतरनाक जो है और गलत तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं बोल पा बोलता है ना स्टूडेंट जो है
चोटियां को बंद क्योंकि हिंदुस्तान ने गलत तरीके से उनको बदनाम किया है। बोन फंसा लोग बदनाम किया है, उनको बदनाम किया है और उनके खिलाफ उन्होंने केसेस दर्ज किए हैं, एफआईआर दर्ज किया है। ये लोग कहते हैं कि उनको अब पासपोर्ट भी नहीं मिलेगा जब मास्क क्यों गई, और वो आगे अपनी जो तालीम है वो भी कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। हम दिल्ली सरकार से पूछ रहे हैं, यहाँ अमित शाह जी आए, उन्होंने कहा हम किसी के साथ बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ बात करेंगे। आप मुझे बता दीजिए यहाँ के यूथ के साथ, यहाँ से मालिम जा ही रहे थे तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो अलीगढ़ में पढ़ रहे हैं, आगरा में पढ़ रहे हैं, उनके खिलाफ उन्होंने क्या तशद्दुद किया है, उनके खिलाफ उन्होंने क्या सेडिशन केसेस लगाए हैं। ये वो वक्त नहीं है जब शेरी कश्मीर से तमक अब्दुल्ला के खिलाफ इन्होंने कतारी का केस दर्ज किया है, वो भी फिर झूठ साबित हुआ है, और आज इस वक्त ये फिर वही दोहरा रहे हैं। ये हमारे कश्मीरी स्टूडेंट्स के खिलाफ क्या कर रहे हैं, उनके खिलाफ सेडिशन केसेस कर रहे हैं। आपको पता होगा कि कल एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मिस्टर गुप्ता ने इसको क्लियर किया है, कहा कि ये क्योंकि सेडिशन नहीं बनता है इनके खिलाफ। बल्कि उन्होंने बहुत कुछ कहा है, लेकिन मेरी मेरा गर्व है कि जो जस्टिस गुप्ता ने कहा है कल, हिंदुस्तान की आंखें उसने खोल दी है, उसने सुप्रीम कोर्ट और बाकी जो कोर्ट्स है हाई कोर्ट उनको भी इससे काफी राहे उनके हमवार हो जाएंगी, क्योंकि सेडिशन केस कहाँ पे मिलता है, और जो कॉलेज के वहाँ के जो मैनेजमेंट है उन्होंने ये क्लियर किया है कि ये सेडिशन, उन्होंने कुछ नहीं कहा। अरे मैं पूछ रही हूँ उनको, दिल्ली वालों का उन्होंने क्लैप किया है, जम्मू यूनिवर्सिटी में जम्मू मेडिकल कॉलेज की लड़की ने क्लैप किया है, क्या ये गुनाह है? अगर कोई किसी भी जगह किसी को कामयाबी मिलती है, क्या ये गुनाह है कि वो क्लैप करेंगे? एवरीथिंग शुड बी अप्रिशिएटेड, कहते हैं अगर किसी भी जगह किसी को कामयाबी मिले उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, अगर उन्होंने अप्रिशिएट किया एट द सेम टाइम उन्होंने कोई नाराबाजी नहीं दी है इंडिया के खिलाफ, उन्होंने कौम के खिलाफ कोई नाराबाजी नहीं दिया। हाँ, उन्होंने जो रियल स्पोर्ट्समैनशिप है उन्होंने वो दिखाया, उन्होंने अप्रिशिएट किया है। मैं उनसे पूछती हूँ, जब ऑस्ट्रेलिया में खेल खेलते हैं हिंदुस्तान हारता है, अगर ऑस्ट्रेलिया की जीत होती है यहाँ के हवाले से क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्यों नहीं करते हैं ये केस? ये कश्मीरी स्टूडेंट्स का, कश्मीरी नौजवानों का, कश्मीरी लोगों का मुसीबत से हम कनार कर रहे हैं और उनको उनपे तशद्दुद कर रहे हैं। उनको चाहिए वो जल्द से जल्द ये केसेस वापस ले, और जितनी लड़कियों के खिलाफ उन्होंने केसेस किए हैं वो वापस ले, जो सेडिशन केसेस हैं उनके खिलाफ ये केसेस वापस ले।